हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रूनास रिसोर्ट। तो आज हम देखेंगे डेलीशियस हेल्दी व्हीट केक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, व्हीट केक यानी कि गेहूं के आटे से बना हुआ केक। और आज ये केक हम मिक्सी में बनाने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। केक हम कुकर में बेक करने वाले हैं। इसमें मैंने डाल दिया है नमक। ये नमक मैंने पहले भी एक दो बार यूज किया है और नमक में मैंने रख दिया है स्टैंड। केक के लिए हमें लगने वाला है गेहूं का आटा। ये मैंने अच्छे से छान कर लिया है। ये मैंने लिया है 3/4 बाउल शुगर पाउडर। यहाँ एक बाउल मैंने लिया है दूध। ये दूध पूरा की पूरा हमें लगने वाला है क्योंकि गेहूं का आटा ज्यादा दूध एब्सॉर्ब करता है। दूध की जगह आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है बेकिंग पाउडर और 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। ये ऑप्शनल है। मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है वेनिला एसेंस और ये देसी घी है। मैंने लिया है लगभग 30 ml और ये भी ऑप्शनल है। यहाँ मैंने लिए है थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, टूटी फ्रूटी और ये 2 चम्मच कोको पाउडर। केक का जो बैटर है वो हम ग्राइंडर में बनाने वाले हैं। तो यहाँ मैंने एक ग्राइंडर लिया है बड़ा वाला। उसमें अब मैं ऐड करती हूँ 1 बाउल गेहूँ का आटा और पीसी हुई चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से ऐड करना। मैंने 3/4 बाउल चीनी ली थी, उसमें से थोड़ी रिमेनिंग है। और उसके बाद बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और जो हमने लिया था कोको पाउडर। सभी इंग्रेडिएंट्स अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए ये सूखा जो हमने लिया था, सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें मैं ऐड करती हूँ 1 बाउल मिल्क। हमें पूरा 1 बाउल मिल्क ऐड करना है इसमें और फिर ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद ये देखिए इस बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हुई है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे घी, जो हमने देसी घी लिया है। ये मैंने थोड़ा सा ही लिया है 30 ml। अगर आप डाइट पे नहीं हो तो आप जितना गेहूं का आटा यूज़ किया है उतना ही घी यूज़ कर सकते हो। अब मैंने ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून वैनिला एसेंस और हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया और ईजी बैटर बनकर रेडी है। ये बैटर 2-4 मिनट में ही बनता है, इसे बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब हम केक टिन रेडी करेंगे। ये मैंने लिया है कुकर का टिन। इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर लेना है पहले और फिर उसमें डाल देना है गेहूं का आटा। और गेहूं का आटा भी अच्छे से स्प्रेड करना है हमें। और जो एक्सेस आटा है वो हमें इस तरह से टैप करके निकाल लेना है। और एक बात आपको बतानी रह गई, हमने बैटर में जो देसी घी यूज़ किया है आप उसकी जगह रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। और ये देखिए ऐसे इस तरह से टैप करके जो एक्सेस आटा है वो मैं निकाल लूँगी इस तरह से। अब हमारा कुक टिन बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम बैटर पोर कर देते हैं हमारा। देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। अब बैटर पोर होते ही हमें इस तरह से टैप करना है नीचे ताकि इसमें जो भी गैस जम गई है वो बाहर निकल जाए और हमारा केक अच्छे से फूल जाए। इसके बाद अब ऊपर डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप ये ड्राई फ्रूट्स और ये टूटी फ्रूटी भी नहीं डालोगे तो भी आपका केक बहुत ही बढ़िया बनेगा। ये केक ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत इजी केक है ये। अब ये टीन जाएगा कुकर में। मैंने कुकर का जो रिंग और सीटी थी वो अभी निकाल ली है पहले से। ये टीन अब कुकर में रख दिया है। इसे बेक होने के लिए एटलीस्ट 40-45 मिनट्स लगेंगे। लगभग 40 मिनट हो गए हैं। कुकर का लीड निकाल कर एक बार चेक करते हैं। वाव, ये देखिए बहुत ही बढ़िया केक बनकर रेडी है और कितना फूला हुआ है ये। अब इसमें नाइफ डाल के हम चेक करते हैं कि ये बेक हुआ है अभी तक या नहीं। ये देखिए नाइफ को थोड़ा सा हमारा बैटर लगा हुआ है, इसीलिए हम इसे और 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट के बाद गैस की फ्लेम आपको ऑफ करनी है और 5 मिनट वैसे ही रेस्ट रखना है। ये देखिए आफ्टर 10 मिनट अब ये ढक्कन मैंने खोला है और देखिए बहुत ही अच्छा हमारा केक बेक हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसे चेक करके। ये देखिए नाइफ को बिल्कुल भी बैटर नहीं लगा है, मतलब ये केक बहुत ही बढ़िया बिल्कुल बनकर रेडी हुआ है। अब इसे हम निकाल लेते हैं और ये देखिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हमारा गेहूं के आटे का बना हुआ केक बिल्कुल रेडी है। आप ये ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो, ये बहुत न्यूट्रिशियस है ड्राई फ्रूट्स की वजह से। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये फूला है
और बहुत स्पॉन्जी भी हुआ है। आइए मैं आपको थोड़ा सा कट करके दिखाती हूँ एक पीस। आई लर्न दिस रेसिपी फ्रॉम माई फ्रेंड शुभांगिताई। आई मिस यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग विथ मी दिस रेसिपी। प्लीज़ ट्राई दिस रेसिपी एंड हाउ वॉज माई दिस वीडियो, प्लीज़ कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड इफ यू आर सीइंग फर्स्टली माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ईट हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे फूडी। सी यू वेरी सून इन नेक्स्ट हेल्दी वीडियो। बाय।